बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी आयनों, रक्स किचन में सारे दोस्तों को खुश आमदीद। अज असीं देसी घीओ बना रहे हैं। घर में देसी घीओ ते ताज़ा मक्खन बनाने का बिल्कुल रवायती तरीका तुहानू दस्सांगे। बाजार विचों देसी घीओ तो बिल्कुल खालस नहीं मिलता, अगर कित मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। पिंडा थावां तो जिन्हां लोगों ने अपनियां मझां गावां रखियां होईयां उन्हां कोलों खालस देसी घीओ मिल जांदा है। तो अजकल देसी घ्यो की कीमत तकरीबन 2000 रुपए फी किलो है, लेकिन जोड़ा तुम घर दुध लेंदे हो तो उस दुध में असी किस तरह देसी घ्यो घर बना सकते हैं, तो आओ फिर देसी घ्यो बनाने का तरीका शुरू करिए। मेरे को तकरीबन खालस दुध 3 किलो है। इस दुध को असी सब तो पहले बॉयल करना है, जिन्हों के असी दुध में काढ़ना कहने हैं। दुध असी पहले काढ़ांगे तो दुध थोड़ा बिल्कुल खालस होना चाहिए। जिन्ना दुध खालस होएगा अच्छा होएगा तो उन्नी उत्ते मलाई अच्छी आएगी, मलाई अच्छी आएगी तो साड़ा घ्यो और मक्खन ज़्यादा निकलेगा। दुध में आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का हिलाते रहो तो इन दरम्याने एक ते बॉयल होन दो। दुध साड़ा अच्छी तरह जो बॉयल हो जाए तो दुध में थोड़ा जहा फेंट दो। तो 2-3 मिनट बॉयल होने तो बाद अग नूं हल्की कर दिओ, अग बिल्कुल हल्की कर देनी है। तो उत्ते कोई जालीदार ढक्कन वगैरह दे देना, तो इस नूं इंतहाई हल्की अग ते प्यार रहन देना कोई 10-12 मिनट, तो उहदे नाल फिर उत्ते अच्छी तरह मलाई आ जाएगी। दुध साडा ठंडा हो गया तो देखो दुध उत्ते किन्नी मोटी तह आ गई है मलाई की। यह दुध अच्छा और खालस होने की निशानी है कि दुध ते इन्नी ज़्यादा मलाई आई है। हुण सारी मलाई नूं असीं अलहदा कढ लैणे किसी बर्तन च। यह मलाई असीं कढ लई है, इस स्टील दे बर्तन वाली मलाई असीं कई दिन पहलों दी जमा कीती हुई है। तो रोज़ाना तुसीं थोड़ी थोड़ी मलाई इस तरह जमा करदे रहो तो उस तों बाद फिर असीं इहदा मक्खन बनावांगे। हुण इह सारी मलाई जिहड़ी असीं पहले फ्रीज कीती हुई सी ते जिहड़ी अज कढ़ी है इहनूं असीं किसी मिट्टी दे बर्तन च पा के ते रिड़कांगे। मैं मिट्टी का छोटा बर्तन इस्तेमाल कर रहा, इनू कुजा कहते हैं। कुजे दे विच सारी मलाई असी पा के ते इहदे विच असी थोड़ा जिहा पानी शामिल करांगे। मलाई वाले बर्तन च थोड़ा जिहा पानी पा के ते उह असी शामिल कर दिता है। ते हुण असी बिजली वाली छोटी मधाणी नाल इनू रिड़कदे हां। मधाणी नू इस तरह कुजे दे विच रख के ते बटन ऑन कर दिओ ते 5-7 मिनट इनू इसे तरह रिड़कदे रहो। हुण असी बटन बंद करके चैक कर लैने कि की सूरत हाल है। मक्खन साडा हाले अच्छी तरह तैयार नहीं होया तो असी इहनूं मजीद 4-5 मिनट इसे तरह चलदा रहण दिंदे आ। तो माशाल्लाह साडा मक्खन देखो तैयार हो गया। मधाणी असी बाहर कढ लैने तो हुण असी इस मक्खन दे हाथ नाल इस तरह पेड़े बनावांगे। देखो कितना ज़बरदस्त मक्खन तैयार हो रहा। सारा मक्खन कढ के तो असी इनू देसी घ्यो बनाने वास्ते गर्म करना है। गर्म करना शुरू करो, दरमियानी आग ते गर्म करना है तो चमच हिलाते जाओ इस तरह। आस्ते आस्ते लस्सी जिहड़ी इहदे विच होएगी वह सड़नी शुरू हो जाएगी तो साडा देसी घ्यो जिहड़ा वह लहदा होना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह साडा देसी घ्यो देखो बिल्कुल तैयार हो गया। हुण असीं इहनूं किसी पौड़ी वगैरह नाल पुण लैने, पुण के अलग किसी बर्तन च पा लो तो देसी घ्यो तुहाडा तैयार हो गया। बहुत अच्छा ते खालस देसी घ्यो तैयार होया। तो तुसीं घर में इस तरह देसी घ्यो बना सकते हो, बना के तेनों महफूज कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ने जरूर शेयर करो, तो नाले कमेंट्स में अपने ख्याल भी जरूर दस्या करो। वीडियो में पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।